देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने की बहुप्रतीक्षित मांग और जनभावनाओं को देखते हुए आज से अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच पहली एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारसनाथ रजवाड़े मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से सरगुजा संभाग के लोगों का बरसों का सपना साकार हो गया है। रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सावन के प्रथम दिन में माँ महामाया की कृपा से, माँ कुदरगढ़ी दाई की कृपा से आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी, आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये जो ट्रेन आज चली है ये राजधानी स्तर की ट्रेन है और कई शहरों से गुजरेगी। रेल अधिकारियों ने बताया कि इस गाड़ी का नियमित परिचालन 19 जुलाई से किया जाएगा। ये ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से प्रातः 7:15 में रवाना होगी और अगले दिन प्रातः 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7:30 पर अंबिकापुर स्टेशन पहुंचेगी।